हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में काफ़ी जानी मानी टैबलेट जो कि एक मसल्स गेन करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग में मसल्स को गेन करना, वजन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी जानी मानी, काफ़ी सस्ती और काफ़ी बिकने वाली मेडिसिन है सिप्लेक्टिन टैबलेट। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं सिप्लेक्टिन टैबलेट के बारे में। सिप्लेक्टिन टैबलेट का क्या है, सिप्लेक्टिन टैबलेट में क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का क्या काम है, इसके इस्तेमाल क्या है, इसके असल इस्तेमाल किस पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कौन से पर्पज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या डोज होनी चाहिए, यूज करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यह टैबलेट किसको नहीं लेनी चाहिए, यह कॉम्बिनेशन किसको नहीं लेना चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सिप्लेक्टिन टैबलेट जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो आपको 30 से 40 रुपीज़ में आपको एक स्ट्रिप 15 गोलियों की पैकिंग में आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो यह 15 गोली की पैकिंग में आपको मिलती है। अगर हम बात करें सिप्लेक्टिन का टैबलेट आपको कौन से कंपनी की है, तो यह सिप्लेक्टिन टैबलेट जो कि सिप्ला कंपनी की बनाई हुई यह टैबलेट है। तो यह था बात थी सिप्लेक्टिन टैबलेट के बारे में। अगर अब हम बात करें सिप्लेक्टिन टैबलेट में क्या कॉम्बिनेशन है, तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन जो कि साइप्रोहेप्टाडिन है। अब हम बात करें साइप्रोहेप्टाडिन क्या है, तो साइप्रोहेप्टाडिन जो कि एक एंटी हिस्टामिन कॉम्बिनेशन का ग्रुप से जुड़ा हुआ एंटीहिस्टामिन टैबलेट होता है जो कि स्नीजिंग, एलर्जी, इचिंग की प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है और भी प्रॉब्लमों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था एंटीहिस्टामिन साइप्रोहेप्टाडिन के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें साइप्रोहेप्टाडिन या सिप्लेक्टिन का असल इस्तेमाल क्या है, तो यह अगर आपको एलर्जी हो रहा हो, इचिंग हो रही हो, दाँत खाज खुजली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, उसमें जो आपकी मेडिसिन चल रही है एंटी एलर्जी, एंटी फंगल, उसमें इसे लिया जाता है, जिससे उस दवाई जो भी आप दवाई ले रहे हैं उस दवाई का स्ट्रेंथ डबल हो जाए, जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में जल्दी आसानी हो, इसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलर्जी, अगर कोई भी आपको हल्की फुल्की एलर्जी है, इचिंग है, दाँत खाज खुजली है, तो इसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्नीजिंग, रनिंग नोज, खांसी जुकाम, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी इसे लिया जाता है, और जो दवाई चलती है उसमें भी इसको स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यह था इसका असल इस्तेमाल के बारे में। अगर हम बात करें इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस पर्पज़ में किया जाता है, तो यह एक तरह का ओरल स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि बॉडी को, मसल्स को गेन करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, इस तरीके के पर्पज़ में इस्तेमाल किया जाता है। पर हाँ, इसे लंबे समय तक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी तरह के डबल पावर स्ट्रेंथ को डबल करने के लिए भी लेते हैं या बॉडी बिल्डिंग के भी लेते हैं, तो आप इसे लंबे समय तक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। अगर आप इसे लेते हैं तो आप इसे मिनिमम एक हफ्ता ही लें, इससे ज़्यादा ना लें, लेते हैं तो आपको बहुत साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकता है, दिखने को हो सकता है आपके बॉडी में। तो यह था इसके असल इस्तेमाल में, जो कि नकल इस्तेमाल जो कि सबसे ज़्यादा है बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। अगर अब हम बात करें इसकी डोज, क्या डोज होती है, तो इसे दिन में एक बार ही लेना चाहिए, एक या दो, दो से बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इसके अगर आप इसके जब भी आप इसे लेते हैं तो आपको नींद आ सकती है इसके लेने के बाद। आप इसे दिन में एक ही बार लें, वो भी रात को सोते वक्त, इसका डोज एक ही बार होता है रात को सोते वक्त, जो कि आपको नींद आए तो रात को आप सो सकें। अगर आप कोई काम करते हैं और आप इसे दिन में लेते हैं तो आपको बहुत नींद आ सकती है, इस तरीके का आपको हो सकता है, इसीलिए इसका डोज दिन में एक ही बार होता है। तो यह बात थी हमने करी डोज के बारे में। अगर अब हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो अगर आपको इसके तुरंत लेने के बाद आपको किसी तरह का गैस, एलर्जी, जलन या किसी तरह का लाल चकत्ते, स्किन रेडनेस पड़ती है, तो आपको ये सूट नहीं कर रहा है और आपको यह नहीं लेनी चाहिए, और डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप इस कॉम्बिनेशन और इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर अब हम बात करें इसके आप लंबे समय तक लेते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी पेशेंट किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं। तो यही था इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर हम बात करें किसको नहीं लेनी चाहिए, तो अगर आप प्रेगनेंट लेडी हैं तो भी ना लें आप इसको। अगर आप किसी तरह के हार्ट किडनी पेशेंट हैं तो आप इस टैबलेट का या इस कॉम्बिनेशन का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो यही था सिप्लेक्टिन टैबलेट और साइप्रोहेप्टाडिन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।